नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा इज्जत और वक्त किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने। प्यारे बच्चों, आज जो हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आपका हमें अपार प्यार मिल रहा है। उसके रिगार्डिंग प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम है ना जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पंचकूला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। कौन सा? जैसे ये देख पा रहे हो आप, क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं? पंचकूला। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है प्यारे बच्चों, पंचकूला कब बना था? 15 अगस्त 1995 को क्या बना? पंचकुला। पंचकुला में 5, 15 अगस्त में भी 5, 95 में भी 5। और ये प्यारे बच्चों कहते हैं यहाँ पर पंचकूप, यानी 5 कुएं या 5 झरने होते थे, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। और पंचकुला है प्यारे बच्चों केवल किसके साथ सीमा बनाता है? अंबाला के साथ बनाता है। उसी प्रकार सिरसा केवल किसके साथ सीमा बनाता है? फतेहाबाद के साथ है सीमा बनाता है। तो यहां से भी बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, पंचकुला किसके साथ सीमा बनाता है? तो अंबाला के साथ। और प्यारे बच्चों हरियाणा में ना सबसे ज्यादा वर्षा पूछे तो कहां पर होती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा ना पंचकुला में होती है। पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है प्यारे बच्चों? अंबाला में होती है। कहां पर होती है? अंबाला में होती है। और पंचकुला से प्यारे बच्चों आज हम है ना बहुत से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे कम पशुधन कहां पर है? तो सबसे कम पशुधन कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में रहेगा। सबसे कम विधानसभा की सीट कहां पर है? तो ये भी प्यारे बच्चों चरखी दादरी के बाद साथ में कौन सा है? पंचकुला या विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम बिल्कुल सिलसिलेबार से क्या शुरू करेंगे? पंचकुला शुरू करेंगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों पंचकुला की, बात आती है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पंचकुला का ना इतिहास पता होना चाहिए। कहते हैं 5 कुपों के कारण या 5 झरनों के कारण, किसके कारण प्यारे बच्चों? 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? पंचकुला पड़ गया था। एक तो ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। और पंचकुला की मैं तहसील की बात करूं ना, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक खुद क्या है आपका पंचकुला, क्या रहेगा आपका? तहसील रहेगा। एक तहसील रहेगी प्यारे बच्चों कालका, और एक तहसील रहेगी रायपुर रानी। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? रायपुर रानी रहेगी। और कालका से क्वेश्चन आता है, कालका का वर्णन है ना, कालका का पुराना नाम क्या था? कालकूट था। ये क्वेश्चन रट लेना, कालका का पुराना नाम क्या था? कालकूट था। इसका वर्णन है ना एक ऋषि हुए थे, पाणिनि ऋषि हुए थे। उन्होंने ना अपनी अष्टाध्यायी में ना किसका वर्णन किया था? कालका का वर्णन किया था। और पाणिनि ऋषि है ना प्यारे बच्चों, ये है ना किसके दरबार में रहा करते थे? नंद वंश के संस्थापक महापद्मा नंद के दरबार में कौन रहा करते थे? पाणिनि ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की क्या की थी? रचना की थी। एक प्यारे बच्चों कालका से है ना हमारे जो विधायक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ज्ञान चंद गुप्ता जो वर्तमान में क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारी ना 14वीं विधानसभा में ना विधानसभा अध्यक्ष है। 14वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। और ज्ञानचंद गुप्ता ने अगर पूछे प्यारे बच्चों कहां से चुनाव जीता? कालका से चुनाव जीता। किसको हराकर चुनाव जीता? तो ये चंद्रमोहन बिश्नोई है ना, इनको हराकर है ना इन्होंने क्या जीता था? चुनाव जीता था। किसको हराकर इन्होंने चुनाव जीता था? चंद्रमोहन बिश्नोई को। इन्होंने पंचकुला से, मतलब पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई को हराया था। कालका की ये बता रहा हूँ, ये विधानसभा की सीट किसकी रहेगी? कालका है ना, ये याद कर लेना विधानसभा सीट है। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई ने ना चुनाव कहां से लड़ा था? पंचकुला से क्या लड़ा था? चुनाव लड़ा था। कालका क्या है? विधानसभा की सीट है। और ज्ञानचंद गुप्ता है ना इन्होंने ना चुनाव पूछे कहां से जीता था? ज्ञानचंद गुप्ता ने ना चंद्रमोहन बिश्नोई को ना पंचकुला से चुनाव, मतलब पंचकुला से हराया था। तो ये कालका है ना प्यारे बच्चों, इस सीट पर ना मतलब जो कांग्रेस के ना विधायक है ना
उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन याद कर लेना का, ये कंफ्यूज मत होना, काल इतना याद रख लेना, काल का क्या है, विधानसभा की सीट है, इतना याद रखना है, काल का विधानसभा की सीट है। और पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई और ज्ञानचंद गुप्ता के बीच में मुकाबला था, जो किसने जीत लिया था, ज्ञानचंद गुप्ता ने। और चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के क्या रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। कालका से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर काली माता का मेला कहां पर लगता है, काली माई का मेला कहां पर लगता है, तो काली माई का मेला कहां पर लगता है प्यारे बच्चों, कालका पंचकुला में कौन सा मेला लगता है, काली माई का मेला कहां पर लगता है, कालका पंचकुला में काली माई का मेला लगता है। तो ये पंचकुला से जो ज्ञानचंद गुप्ता जो हमारे विधानसभा क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, ये याद कर लेना। ये बहुत बार क्वेश्चन है, रणवीर गंगवा जो नलवा विधानसभा सीट से, वो विधानसभा क्या रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, ये याद कर लेना। और पंचकुला से प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ना विधानसभा की केवल कितनी सीटें हैं, यहाँ पर विधानसभा की केवल कितनी सीटें हैं, दो सीटें रहेंगी, यहाँ पर विधानसभा की केवल कितनी सीटें हैं, दो, एक तो खुद कालका और एक कौन सी रहेगी आपकी, पंचकुला। यहाँ पर विधानसभा की चरखी दादरी में भी विधानसभा की दो सीटें हैं और पंचकुला में विधानसभा की दो सीटें, हरियाणा में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर रहेगी, हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी, सात सीटें रहेगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। एक है ना सबसे कम पशुधन हरियाणा में, सबसे कम पशुधन कहां पर है, तो हरियाणा में सबसे कम पशुधन है ना प्यारे बच्चों, वो कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। अगर ज्यादा पशुधन पूछे ना, तो ज्यादा पशुधन हरियाणा में कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा पशुधन हरियाणा में ना हिसार में हो जाएगा। जैसे सबसे कम सीट है ना विधानसभा की, वो भी पंचकुला के साथ चरखी दादरी है, और ज्यादा विधानसभा की सीटें हिसार, तो ये दोनों फैक्ट क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन फैक्ट रहने वाले हैं। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसके पंचकुला के क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं, तो पंचकुला का क्षेत्रफल है ना 898 वर्ग किलोमीटर रहेगा। पंचकुला का क्षेत्रफल लाडले बच्चों कितना रहेगा, 898 वर्ग किलोमीटर। कई किताबें हैं ना ये दिखाती है हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, और किताबें डायरेक्ट दिखा देती है पंचकुला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, लेकिन नहीं है प्यारे बच्चों, 741 वर्ग किलोमीटर के साथ है। फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, अगर फरीदाबाद एक बार ना ये क्वेश्चन आया था क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, और ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं था, तो एचएसएससी को तो पंचकुला मानना था, दूसरा छोटा है। उसके बाद जितनी भी किताबें छपी ना, बहुत सी किताबें, उन्होंने पंचकुला को क्षेत्रफल में सबसे क्या बताया था, छोटा, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है, हिसार है, ठीक है, सॉरी आपका क्षेत्रफल में फरीदाबाद छोटा है। और अगर आए जनसंख्या में ना सबसे छोटा कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा पंचकुला हो जाएगा, 5,61,000 समथिंग, तो 5,61,000 समथिंग यहाँ की क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी। तो जनसंख्या अगर पूछे तो सबसे कम किसकी रहेगी, जनसंख्या 5,61,293 एग्जैक्ट है, 5,61,293 ये नहीं पूछी जाती, क्योंकि 2011 का ये क्या रहेगा, आंकड़ा रहेगा, जो अभी बदल जाएगा सारा का सारा। अब प्यारे बच्चों पंचकुला से ना क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन, जैसे ये पूछा जाता है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान काम पर रहेगा, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान काम पर रहेगा, तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान काम पर रहेगा प्यारे बच्चों पंचकुला में। एक पूछा जाता है खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान काम पर रहेगा, तो खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान भी काम पर रहेगा प्यारे बच्चों पंचकुला में रहेगा। याद कैसे करोगे, जो वीर लोग होते हैं ना वो क्या मतलब शिकार, इतना याद कर लेना बच्चों, शिकार होता है ना वो कहाँ पर होता है, वन में, हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, पंचकुला में। और जो मतलब रेतान को हम पढ़ लेंगे सेतान, और सेतान लोग क्या करेंगे शिकार, शिकार कहाँ होगा वन में, वन कहाँ पर है, पंचकुला में। छोटी ट्रिक से याद कर सकते हो, सेतान ही शिकार करेगा ना, नरम हद्दे वाले आदमी से किसी को थप्पड़ नहीं मारा जाता, वो क्या शिकार करेगा, तो वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान भी कहाँ पर रहेगा पंचकुला में। एक बार आया था हरियाणा में पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो हरियाणा में पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो हरियाणा में ना
पहाड़ियां भी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है प्यारे बच्चों? पंचकुला में ना। क्या ये क्वेश्चन एचएसएससी ने फेवरेट क्वेश्चन है, मान के चलो एचएसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है। पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में। और वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला। एक है ना, लोकेशन की बात करूं ना, पंचकुला हरियाणा के किस लोकेशन पर पड़ता है? उत्तर पूर्व में पंचकुला पड़ता है। और यहां से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस लोकेशन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो हरियाणा की उत्तर पूर्व में क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पंचकुला है ना, किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है? शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, वो कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? करो की चोटी रहेगी, जिसकी हाइट कितनी रहेगी? 1514 मीटर। एग्जैक्ट 1467 है। एचएसएससी 1514 क्या मानती है प्यारे बच्चों? इसकी हाइट है मीटर मानती है, तो ये याद कर लेना। और प्यारे बच्चों, मोरनी हिल्स भी कहां पर रहेगी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मोरनी हिल्स भी कहां पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। जिन्हें है ना किसकी रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? मोरनी हिल्स को कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, कुछ है ना प्रजनन केंद्र है जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे ये पेपर में पक्का आता है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। याद कैसे करोगे? जो गिद्ध होता है ना, वो कि उसको किस में कैद कर लो? पिंजरे में कैद कर लो। एक प्यारे बच्चों पूछा जाता है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। याद कैसे करोगे? बचपन में जब हम कबड्डी खेला करते थे और हमसे फाउल हो जाता था, तो कोच हमें जोर से क्या मारते थे? थप्पड़ मारते थे। एक प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है, फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र ये कहां पर रहेगा? ये मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोरनी पंचकुला में। कौन सा केंद्र हो जाएगा? फी सेंट प्रजनन केंद्र। सेंट लगाने के बाद चाल किसकी भांति हो जाती है? मोरनी की भांति हो जाती है। तो फी सेंट प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। एक प्यारे बच्चों यहां से मंदिर से क्वेश्चन आता है, भीमा देवी मंदिर कहां पर है? तो भीमा देवी मंदिर है ना कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में। कौन सा मंदिर रहेगा? भीमा देवी मंदिर रहेगा। इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजुराहो। और ये पेपर में एसएससी पूछती है, खजुराहो के मंदिर एमपी में है, मध्य प्रदेश में, उसे किन शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो के मंदिर को प्यारे बच्चों चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनाया था। तो ये भी एग्जाम में पेपर में पक्का पूछा जाता है, भीमा देवी मंदिर। ये कहते हैं प्यारे बच्चों 1914 में ना भीमा देवी मंदिर से हमें है ना 100 प्राचीन मूर्तियां मिली थी। भीमा देवी मंदिर से ना 100 क्या मिली थी हमें? प्राचीन मूर्तियां मिली थी। कब मिली थी गुरुजी? 1914 में। और 1914 में ही क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध भी कब हुआ था? 1914 में। और यहां से हमें क्या मिली थी? 100 प्राचीन क्या मिली थी मूर्तियां। एक एग्जाम में पूछा गया था, रामगढ़ फोर्ट कहां पर रहेगा? ये भी पंचकुला में। कौन सा फोर्ट है? रामगढ़ फोर्ट कहां पर रहेगा? तो रामगढ़ फोर्ट है ना कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में। कौन सा फोर्ट रहेगा? और इसका ना दरवाजा कहते हैं, हरियाणा में ना सबसे ऊंचा दरवाजा है इस फोर्ट का दरवाजा ना हरियाणा में क्या रहेगा? रामगढ़ फोर्ट का दरवाजा हरियाणा में क्या रहेगा? सबसे ऊंचा रहेगा रामगढ़। एक रेड बिशप प्रजनन केंद्र भी पूछा गया था, रेड बिशप प्रजनन केंद्र, रेड बिशप पर्यटन स्थल, रेड बिशप पर्यटन स्थल भी कहां पर रहेगा? तो रेड बिशप पर्यटन स्थल भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। एक प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल में है ना टिक्कर ताल झील, ये बहुत बार पूछी जाती है, टिक्कर ताल झील कहां पर रहेगी? तो टिक्कर ताल झील भी कहां पर हो जाएगी आपकी? पंचकुला में हो जाएगी।
कौन सी झील हो जाएगी प्यारे बच्चों? टिक्कर ताल झील भी कहां पर हो जाएगी? पंचकुला में हो जाएगी। ये झील पूछी गई थी। मोरनी हिल्स भी कहां पर रहेगी? पंचकुला में। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो, जिसकी हाइट 1514 मीटर रहेगी। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि 24 घंटे बिजली प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन? यहाँ पर ना 24 घंटे क्या रहती है प्यारे बच्चों? 24 घंटे यहाँ पर क्या रहती है? बिजली रहती है। 24 घंटे यहाँ पर क्या रहती है? बिजली रहती है। और प्यारे बच्चों, शिवालिक के अंतर्गत है तो इसकी क्या होती है? यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ पूछेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है? तो प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ या हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो किसके साथ सीमा बनाता है? चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। तो किसकी सीमा लगती है चंडीगढ़ के साथ प्यारे बच्चों? पंचकुला। और इसे ना हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर आप है ना हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। आप गलत नहीं हो, हरियाणा का पेरिस करनाल को भी कहा जाता है। इन केस प्यारे बच्चों करनाल ऑप्शन में ना आए ना, तो हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? पंचकुला को। और इसे हरियाणा की ना प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी पंचकुला को बोला जाता है। और हरियाणा की वित्तीय राजधानी आए ना, वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की वित्तीय राजधानी है ना गुरुग्राम को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, कोई चीज है ना अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो चंडीगढ़ के साथ चले जाना। एक बार हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पूछा था, ऑप्शन में पंचकुला नहीं था तो चंडीगढ़ के साथ जाना पड़ा। तो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी वैसे पंचकुला है, ऑप्शन ना आए तो कई बार चंडीगढ़ भी हमें करना पड़ सकता है प्यारे बच्चों। एक बार पूछा गया था ये पंचकुला है ना, ये क्या रहेगा? खुद पुलिस कमिश्नरी भी रहेगा। पंचकुला क्या रहेगा? पंचकुला है ना वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आपका पुलिस कमिश्नरी भी पंचकुला रहेगा। पुलिस कमिश्नरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जैसे आप फरीदाबाद पढ़ते हो, पंचकुला पढ़ते हो, ये क्या रहेगी आपकी? गुरुग्राम। पंचकुला फरीदाबाद क्या रहेगी? आपकी पुलिस कमिश्नरी रहेगी। और पंचकुला है ना किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो अंबाला मंडल के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों? आपका पंचकुला किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला, ये भी पूछा जा सकता है। और ये पेपर में आ सकता है पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पहले बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। पंचकुला से क्या क्वेश्चन बनेगा इसकी ना डायरेक्ट? ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में ना एक तो वन सबसे ज्यादा पंचकुला में, वर्षा सबसे ज्यादा पंचकुला में, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर भी कहां पर? पंचकुला में। ये तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। याद ना रहे, वन होंगे तभी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो सिंचाई होगी, तो पंचकुला में रहेगा। और एक है ना पूछा जाता है तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तीतर प्रजनन केंद्र, अब बच्चे है ना तीतर प्रजनन केंद्र आते पीपली करते हैं, तीतर प्रजनन केंद्र प्यारे बच्चों पंचकुला में है। लेकिन आपसे पूछे ना काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो काला तीतर प्रजनन केंद्र वो प्यारे बच्चों पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और आपसे पूछे काला तीतर की जन्म सतली कौन सी है? तो काला तीतर की जन्म सतली कौन सी हो जाएगी? तो काला तीतर की जन्म सतली प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? सिरसा को काला तीतर की क्या कहा जाता है? जन्म सतली कहा जाता है। यहां से भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली को ना ट्राई सिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बन सकता है। पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को क्या कहते हैं हम? पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को हम क्या कहते हैं? पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़। पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं हम? ट्राई सिटी बोलते हैं। कल जुड़वा शहर बताया था ना, जगाधरी और यमुनानगर को क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर बोला जाता है। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और प्यारे बच्चों, मक्का का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मक्का है ना वो पंचकुला में क्या होता है? ज्यादा
होता है, मक्का है ना। ये प्यारे बच्चों पंचकुला के बाद है ना ट्रिपल के वाली पट्टी कैथल करनाल कुरुक्षेत्र में क्या ज्यादा होता है, मक्का ज्यादा होता है। और विश्व स्तर की बात करूं ना तो मक्का है ना अमेरिका में ज्यादा होता है, विश्व में मक्का अमेरिका में होता है। और हरियाणा में मक्का कहां पर ज्यादा होता है, पंचकुला में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक बार आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ योजना की शुरुआत, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, बेटी खिलाओ। इस परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी, पंचकुला से हुई थी। कहते हैं प्यारे बच्चों अप्रैल के महीने में ना इस योजना की 25 अप्रैल 2018 को इस योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार को ना मैं तो कहता हूं एक योजना और चला देनी चाहिए, और वो योजना होनी चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को स्कूटी सिखाओ। ना जाने प्यारे बच्चों लड़कियां है ना जब स्कूटी सीखती है पता नहीं कितने एक्सीडेंट कर देती है। अब सपोज करो लड़की ने पीछे से ना लड़के के बाइक में स्कूटी मार दी, अब लड़का है ना पहले तो हीरो की भांति उतरेगा कि किसने तेरे पीछे स्कूटी मारी है, और नीचे उतरते ही गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा उसका, ऊपर से ये फिर पूछेगा कि मैडम जी कहीं लगी तो नहीं आपको। अगर उसको ही पता होता ना पीछे कोई लड़का है तो वो प्यारे बच्चों उसका गुस्से में बदल जाता और उससे ना एक एक रुपए की क्या करवाता, वो भरपाई करवाता। लड़की है तो उससे यह पूछेगा कि मैडम कहीं लगी तो नहीं आपको, हॉस्पिटल तक है ड्रॉप कर देता हूं। तो गुस्सा भी प्यारे बच्चों आज के टाइम में सिचुएशन को देख कर आता है। कभी भी देख लेना आपको अपने पापा पर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर गुस्सा आते ही सर्विस हो जाएगी। गुस्सा है ना वक्त को देख कर आ जाता है प्यारे बच्चों। परिस्थितियां है ना बदलती रहती है। अभी जैसे है ना हम रेड लाइट पर खड़े हैं, खूब धूप है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बत्ती हो जाए और हमें निकल ले, और हम रेड लाइट पर खड़े हैं फुल गर्मी है और उधर से ना एक स्कूटी पर कोई सुंदर सा चेहरा आकर बराबर में खड़ा हो जाता है, तो इसे सोचते हैं लोग कि ये वक्त है ना यहीं पर ठहर जाए, और वो है ना बत्ती अब 60 सेकंड की बहुत तेजी से चलती है और हम सोचते हैं वक्त यहां पर रुक जाए। तो सिचुएशन के हिसाब से आजकल क्या होती है चीजें होती है, और सिचुएशन के हिसाब से क्या आता है गुस्सा। गुस्से में कभी आपने अपना टीवी तो नहीं फोड़ा ना, गुस्सा प्यारे बच्चों सिचुएशन को देखकर आता है, ठीक है। तो पंचकुला यहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दो पहिया एम्बुलेंस, ये याद कर लेना, दो पहिया एम्बुलेंस, दो पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से हुई थी, एम्बुलेंस, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर पहाड़ियां ज्यादा है तो चार पहिया वाली एम्बुलेंस नहीं, इसका आरोग्य आरोग्यम नाम दिया गया था। तो दो पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत भी कहां से हुई थी, यहीं से। और यहां पर प्यारे बच्चों मोरनी में ना बाबा कहते हैं रामदेव, बाबा रामदेव के सहयोग से, बाबा रामदेव के सहयोग से ना मोरनी पंचकुला में क्या बन रहा है, मोरनी पंचकुला में क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, हर्बल पार्क बन रहा है। कौन सा पार्क बन रहा है, हर्बल पार्क है ना, किसके सहयोग से बन रहा है, बाबा रामदेव के सहयोग से। मोरनी जो जिनका बाबा रामदेव वही है जिनका जन्म 25 दिसंबर 1865 को अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। पिता का नाम जैसे राम किशन था, खुद का नाम रामनिवास होता था, माता का नाम गुलाबो देवी होता था। उन्हीं के प्रयासों से क्या बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है। एक बार आया था माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, 1861 में कहते हैं महाराजा करम सिंह ने माता मनसा देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर कहां पर है, तो माता मनसा देवी मंदिर भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, पंचकुला में रहेगा। 1861 में ना कहते हैं महाराजा करम सिंह ने, महाराजा करम सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था 1861 में। यहां पर कहते हैं प्यारे बच्चों माता मनसा देवी मंदिर में भी ना भगवान शिव जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी की, यहाँ पर आ सकता है भगवान शिव और माता पार्वती जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है माता मनसा देवी मंदिर में। ऐसी मान्यता भी है प्यारे बच्चों यहाँ पर ना शिवरात्रि का मेला लगता है। मनसा देवी मंदिर में ना कौन सा मेला लगता है,
शिवरात्रि का क्या लगता है, मेला लगता है। वैसे प्यारे बच्चों आगे सावन का महीना आ रहा है ना महादेव का, कहते हैं ना वैसे तो तुझे पूजना मेरा हर रोज का काम है, सावन तो एक नाम है। तो प्यारे बच्चों अकाल मृत्यु वो मरे काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। तो महाकाल के नाम से ही प्यारे बच्चों हमें क्या हो जाती है, मतलब नाम लेने से ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है। एक आ रहा था प्यारे बच्चों, गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर व पंचकुला और हरियाणा कहते हैं भारत का पहला राज्य बना था जिसने गिद्धों पर भी क्या किया था, अध्ययन किया था। यानी हरियाणा सरकार ने किस पर अध्ययन किया था प्यारे बच्चों, गिद्धों पर भी क्या किया था अध्ययन। एक चिड़िया प्रजनन केंद्र आया था वो भी मोरनी पंचकुला में, चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा, मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी मोरनी पंचकुला में रहेगा। ये पेपर में बहुत बार एक बार आया था बच्चों, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहां पर रहेगा, तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब भी कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। और ये भी आता है प्यारे बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ना वो कौन सा रहेगा, पंचकुला रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस। ये प्यारे बच्चों फाउंटेन के जो मतलब एरिया के अधीन है, इसलिए यहाँ पर ना कहते हैं मतलब भूकंप ज्यादा आते हैं, पंचकुला का एरिया है ना वो पहाड़ियों के करीब, यहाँ पर ना भूकंप की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन तो बहुत बार आ गया, कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है पिंजौर गार्डन से आता है, कौन सा गार्डन, पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन कहते हैं। इसका निर्माण 1661 में ना किसने कराया था, नवाब फिदई खान कोका ने करवाया था, नवाब फिदई खान कोका ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये क्या होते थे नवाब फिदई खान कोका है ना, ये कहते हैं प्यारे बच्चों एक मुगल बादशाह होता था औरंगजेब, उसका क्या होता था, चचेरा भाई होता था, मुगल होता था। इस नाम को के इस गार्डन को किस नाम से जाना जाता है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इसे प्यारे बच्चों उत्तर भारत का, उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं, नंदन वन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इसका ना जो पुनर्निर्माण है ना वो पटियाला का एक राजा होता था, कहाँ का राजा होता था, पटियाला, उसका नाम होता था यादवेंद्र, क्या होता था, यादवेंद्र। इसलिए इस गार्डन का दूसरा नाम क्या रहेगा, यादवेंद्र गार्डन रहेगा। तो यादवेंद्र गार्डन ही ना इसी का दूसरा नाम है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लगता है, आम मेला लगता है, पहला आम मेला 1992 में लगा था। और आम मेला प्यारे बच्चों किस महीने में लगता है, जुलाई महीने में लगता है। और आमों की सबसे ज्यादा प्रजाति ये भी पूछा जा सकता है, आम है ना सबसे ज्यादा वैसे तो करनाल में होते हैं, और करनाल ऑप्शन में ना आए तो आम सबसे ज्यादा अंबाला में होते हैं। लेकिन आमों की सबसे ज्यादा प्रजाति है ना वो कहाँ पर, जैसे सरोली हो गया, लंगड़ा हो गया, दुसेरी हो गया, पता नहीं कौन कौन से आम आते हैं, उनकी प्रजाति है ना कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है प्यारे बच्चों, पंचकुला में उनकी प्रजाति ज्यादा पाई जाती है, ये याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया था। एक है प्यारे बच्चों ये आया था सबसे इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी पंचकुला से जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए ताकि बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर ना जो घग्गर नदी है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी, घग्गर नदी है ना वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी हरियाणा में प्यारे बच्चों कालका पंचकुला से कौन सी नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, घग्गर नदी है ना वो कहाँ से प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से। और अंत में ना ये सिरसा होती हुई ना कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है, राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। और घग्गर नदी है ना ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से निकलती है, डागसाही की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी निकलती है। लेकिन ना ये मतलब हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये हरियाणा में कालका पंचकुला से कौन सी नदी प्रवेश करती है, घग्गर नदी प्रवेश करती है। और एक बार पूछा गया था पिंजौर का पुराना नाम आया था विराट नगर, पिंजौर का ना पुराना नाम पूछा गया था पिंजौर, इसका
पुराना नाम पूछा गया था प्यारे बच्चों, पिंजौर का पुराना नाम क्या रहेगा? पिंजौर का पुराना नाम है ना विराट नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराट नगर हो जाएगा। अब है ना कुछ मुख्यालय है, जैसे प्यारे बच्चों HSSC का मुख्यालय हरियाणा, स्टाफ सिलेक्शन का मुख्यालय हरियाणा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय जो 1970 में बना था, जिसकी आप तैयारी करते हो, कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। एक पालतू पशुओं का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी कहां पर रहेगा? हालांकि पशु है ना सबसे कम है, लेकिन पालतू पशुओं का हेड जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कहां पर रहेगा? पंचकुला। हरियाणा मानवाधिकार, मानवाधिकार है ना आयोग है, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL का हेडक्वार्टर भी कहां पर रहेगा? ये भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में। किसान आयोग का हेडक्वार्टर भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, किसान आयोग का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा, खेल विभाग, किसान आयोग, पुलिस विभाग, किसान आयोग का हेडक्वार्टर पूछे ना तो वो भी पंचकुला में रहेगा। किसान और किसान का और सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर भी, हालांकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में है, लेकिन पुलिस विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। एक बार ये एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर है ना प्यारे बच्चों, वो तो पंचकुला में है, और ऑप्शन में पंचकुला नहीं था तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? चंडीगढ़ के साथ है जाना पड़ा। यहाँ पर हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या रहेगा? हेडक्वार्टर विद्युत विभाग का हेडक्वार्टर पूछे ना तो भी कहाँ पर रहेगा? तो विद्युत विभाग का हेडक्वार्टर भी ना कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला में। किस विभाग का हेडक्वार्टर हो जाएगा? विद्युत विभाग का। एक राजकीय अभिलेखाकार, ठीक है, ये भी कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? राजकीय अभिलेखाकार भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अब प्यारे बच्चों एक एग्जाम में जैसे आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों DHVVN, ठीक है, जो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है ना, और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों का पंचकुला में रहेगा। एक है ना यहाँ से फेमस व्यक्तित्व में नाम आता है अरुणा आसापली। अरुणा आसापली का संबंध कहाँ से था? तो अरुणा आसापली का संबंध कहाँ से था? पंचकुला से था। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हीरोइन, हीरोइन ऑफ 1942। अरुणा आसापली को हीरोइन इन्होंने ना कहते हैं। महात्मा गांधी के किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, और ये हरियाणा की पहली महिला थी जिन्हें क्या दिया गया प्यारे बच्चों? भारत रत्न प्राप्त करने वाली हरियाणा की मैं पहली महिला थी। पूरा नाम अरुणा आसप है, गांगुली होता था इनका नाम। पंचकुला से रहेंगे। अरुणा आसप अली का संबंध इन्हें बच्चों मतलब भारतीय क्रांति की, जैसे हरियाणा में क्रांति की माँ के नाम से संभव, वैसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? वो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। हरियाणा में क्रांति है ना इलाने मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया था। और प्यारे बच्चों जो मतलब महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को पूना के ग्वालिया टैंक से शुरू हुआ था, और बाद में ना कहते हैं महात्मा गांधी को पूना के आगा खा पैलेस में क्या कर दिया गया? नजरबंद। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उषा मेहता ने इस आंदोलन में रेडियो की भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन में भूमिगत रहकर काम किया था, और इस आंदोलन में मुख्य भूमिका के रूप में कौन आई थी? अरुणा आसप अली आई थी। तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन बने ना तो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। बहुत बार पेपर में एक बार पूछा गया था, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा। जो यादवेंद्र गार्डन, यही प्यारे बच्चों पिंजौर गार्डन है, इसी का नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। एक रामगढ़ का किला, एक रानीपुर का किला, दो किले फेमस है। रामगढ़ का इसमें सबसे ऊंचा दरवाजा था, रामगढ़ का किला और एक रानीपुर का किला, रामगढ़ का किला और रानीपुर का
किला। तो रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? तो ये दोनों किले कहां पर रहेंगे? रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला कहां पर रहेगा? दोनों पंचकुला में रहेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चिड़िया प्रजनन केंद्र वाला भी आ गया, फिश एंड प्रजनन केंद्र वाला भी आ गया एग्जाम में प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा एक बार आया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर रहेगा पंचकुला में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में। और प्यारे बच्चों कहते हैं महिला पुलिस थानों की शुरुआत कहां से हुई थी पंचकुला से? कब हुई थी? 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की। और इस दिन क्या होता था प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन होता था। रक्षाबंधन से HSSC 3 क्वेश्चन पूछती है। एक है ना साक्षी मलिक ने ना प्यारे बच्चों ओलंपिक है ना 2016 के रियो ओलंपिक में ना जो कांस्य पदक जीता था ना, मतलब वो किस दिन जीता था? रक्षाबंधन वाले दिन। और रक्षाबंधन वाले दिन भिवानी में कौन सा मेला लगता है? बाबा खोड़े वाले का मेला लगता है। और रक्षाबंधन वाले दिन ही कहते हैं 29 अगस्त 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी? तो रक्षाबंधन वाले दिन 29 अगस्त 2015 को ना हरियाणा में महिला पुलिस थानों की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी? पंचकुला से की गई थी। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। टिक्करताल झील वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। हरियाणा की राजधानी छूने वाला पंचकुला एकमात्र जिला है। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। इसको छूने वाला पंचकुला क्या है? एकमात्र जिला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी किसको कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहां पर है? पंचकुला में। ये भी एक HMT की फैक्ट्री, ये बहुत बार पूछा जाता है। HMT की फैक्ट्री जो बाद में बंद हो गई थी कहां पर थी? पिंजौर पंचकुला में थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों HMT की फुल फॉर्म आई थी, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। प्यारे बच्चों HMT एक बहुत बड़ा उद्योग होता था, ठीक है। और जैसे एटलस नगरी हम सोनीपत को कहते हैं। और HMT है ना प्यारे बच्चों, HMT की बचपन में ना घड़ियां भी आती थी, HMT के क्या आते थे, ट्रैक्टर भी आते थे। तो बाद में ये उद्योग यहाँ से बंद हो गया था। तो HMT उद्योग के लिए कौन सा फेमस था? पिंजौर पंचकुला। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग का, हरियाणा कर्मचारी आयोग, हरियाणा साहित्य अकादमी, इनका जो कहाँ से रहेगा? पंचकुला में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन सी थी? अरुणा आसफ अली थी या अरुणा आसफ गांगुली थी? कालका पंचकुला से थी। कालका का नाम क्या होता था? कालकूट। पाणिनि की किस पुस्तक में कालका का नाम कालकूट मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। ये भी पेपर में आ गया। एक प्यारे बच्चों ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम है ना, ये दो जगह रहेगा। एक तो HSSC में तो देगा पंचकुला को, क्योंकि यहाँ पर ना प्यारे बच्चों महिला T20 इंटरनेशनल महिला क्रिकेट का यहाँ पर आयोजन हुआ था। लेकिन ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम एक हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। तो याद करना है ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में कितने हैं प्यारे बच्चों? तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में दो है। एक तो कौन सा रहेगा आपका? HSSC में तो देगी पंचकुला को। और एक दूसरा कौन सा रहेगा? तो दूसरा कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों आपका, ये जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पंचकुला वाला, दूसरा गुरुग्राम में। एक हुड्डा कॉम्प्लेक्स भी पूछा जाता है, हरियाणा में हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो हरियाणा में हुड्डा कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा में ना हुड्डा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है कि हरियाणा में हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम भी कहां पर था? पंचकुला में था। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ना वो 1 जुलाई को बनाया गया था पंचकुला में। और पहली टॉय ट्रेन कहां से चली थी? पहली टॉय ट्रेन कालका से शिमला चली थी। जो आप पढ़ते हो ना नेरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, कालका से शिमला, कालका से क्या चली थी? शिमला चली थी।
पहली कौन सी टॉय ट्रेन, पहली टॉय ट्रेन है ना वो भी कहां से कहां तक चली थी। पहली टॉय ट्रेन प्यारे बच्चों कालका से कहां तक चली थी, शिमला तक है चली थी एग्जाम में। और ये पूछा जाता है हरियाणा की पहली सेब मंडी 2017 में पंचकुला में लगी थी। हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी कब लगी थी 2017 में, कहां पर लगी थी पंचकुला में। हरियाणा की क्या लगी थी, पहली सेब मंडी लगी थी। और पंचकुला है प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर क्या होती है ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होगी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वन भी क्या होंगे ज्यादा। एक बार आया था हरियाणा में वन ज्यादा कहाँ पर होते हैं, पंचकुला ऑप्शन में नहीं था तो हमें करना पड़ा यमुनानगर। तो दूसरे नंबर पर वन है ना वो कहाँ पर ज्यादा होते हैं, यमुनानगर में वन क्या होते हैं प्यारे बच्चों ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं। हरियाणा की अगर पूछे किस लोकेशन में है पंचकुला, उत्तर पूर्व लोकेशन में है। और हरियाणा की किस लोकेशन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो हरियाणा की उत्तर पूर्व लोकेशन में क्या होती है ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में कम वर्षा पूछे ना तो दक्षिण पश्चिम लोकेशन में हरियाणा में कम वर्षा होती है। HSSC मानती है कि हरियाणा में सिरसा में कम वर्षा होती है, सिरसा में भी कम होती है, और महेंद्रगढ़ में भी हरियाणा में क्या होती है कम वर्षा। एक बार आया था महेंद्रगढ़ में ना किसकी बागवानी नहीं होती, तो महेंद्रगढ़ में प्यारे बच्चों आम की बागवानी नहीं होती। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुहारों से खेती कहाँ पर होती है हरियाणा में, तो महेंद्रगढ़ में फुहारों से क्या की जाती है, खेती की जाती है। फुहारों से खेती प्यारे बच्चों उन एरिया में होगी जहां पर किसकी कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, वहां पर सिंचाई किससे होती है, फुहारों से सिंचाई होती है। ये पेपर में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस वार्डन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर रहेगा पंचकुला, तो ये याद करना प्रमुख रूप से गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब भी पंचकुला में रहेगा। और मनसा देवी मंदिर, मनसा या माता मनसा देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर भी कहां पर रहेगा पंचकुला में। पिंजोर गार्डन भी कहां पर रहेगा, पिंजोर गार्डन भी कहां पर रहेगा पंचकुला में रहेगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है, यादवेंद्र गार्डन है, क्योंकि इसका डिजाइन तो तैयार किया था नवाब फिदई खान कोका ने। किसने किया था, नवाब फिदई खान कोका ने। और नवाब फिदई खान कोका क्या थे, मुगल, तो इसी गार्डन को क्या कहा जाता है, मुगल गार्डन कहा जाता है, ये भी याद कर लेना। इसका पुनर्निर्माण है ना किताबों में बहुत कम मिलता है। कहते हैं पटियाला के एक रियासत के एक राजा होते थे जिनका नाम होता था यादवेंद्र, तो यादवेंद्र जी ने इनका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जा सकता है यादवेंद्र जी ने किस गार्डन का पुनर्निर्माण कराया, उसी के बाद इस गार्डन का नाम पड़ गया था यादवेंद्र गार्डन। यहाँ पर आम मेले का आयोजन होता है 1992 में पहली बार लगा था, और जुलाई महीने में कौन सा मेला लगता है, आम मेला लगता है। प्यारे बच्चों मैंने पंचकुला से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना कोशिश की गई है, फिर भी प्यारे बच्चों हो सकता है एक आधा क्वेश्चन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना ये 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट जब पूरे हो जाएंगे ना, इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्वेश्चन अगर कोई छूट गया है ना गलती से जल्दबाजी में, तो एक ऐसी वीडियो बना दूंगा, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। उसके बाद है ना आपको किसी भी प्रकार की हरियाणा जीके में कोशिश करेंगे कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सीरीज आपको कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, हर एक बच्चा जब कमेंट करके बताता है ना तो अंदर से क्या होती है, खुशी होती है। अब जरूरी सूचना है प्यारे बच्चों, अब है ना जो एक नंबर देता हूँ 7478400047, ये नंबर रहेगा प्यारे बच्चों। इस पर ना हरियाणा के सभी कोर्सों पर ना 10 जुलाई तक है ना सभी कोर्सों पर 80% ऑफ कर दिया गया। इस नंबर पर ना आप हरियाणा पुलिस का बैच, केट का बैच, ग्राम सचिव का बैच मात्र है ना प्यारे बच्चों 500 रुपए के अंदर अंदर खरीद सकते हो। अच्छा लगे तो देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं है। और यहाँ से ना मेरी दो क्लासें आपको मिलती रहेगी, और हरियाणा पुलिस के बुक के प्रति आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, और जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में ना एजुकेशन को बंद मत होने देना।
और घर में रह करना, अच्छे से तैयारी करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।